गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू पटनी टॉप। वाव क्या नजारा है यार। आगे अभी हम पटनी टॉप पे और 8 बजे उठकर मतलब हम थोड़ा सा फ्रेश होके अभी 9:30 बज रहे तो फिर हम निकल रहे थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए पटनी टॉप। मैं तो पूरा रेडी हो गया हूँ। अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और क्या करेंगे प्रिया, उसके बाद बर्फ में जाएंगे, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना? बहुत ठंडी है। बाहर जैसे ही बाहर निकले होटल से ठंडी और ठंडी हवा चल रही है अभी। अंदर ऐसा लग रहा था नॉर्मल होगा बाहर। हाँ लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, मस्त दिख रही है, मस्त दिख रही है। चलो। हाँ भाई होटल में रुके ना तो मतलब गर्म फील हो रहा था और बाहर आने के बाद इतना ठंडी हवा, पूरे जम जाओगे, इसलिए हम डबल ट्रिपल लेयर पहन के बाहर निकल रहे हैं ना। वो साइड के पहाड़ तो कितना खूबसूरत लग रहे हैं ना। वहाँ पे देखिए पूरा बर्फ जम गई वहाँ पे। हाँ नहीं वहाँ अभी हम ऊपर जाने वाले ना, ऊपर टॉप पे, वहाँ भी बर्फ मिलेगी। तो अभी हम बाहर आए ना तो इस क्लाइमेट में थोड़ा सा मैच होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर आना। यहाँ से हम 200-300 मीटर वॉक करके ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों पे, जो कि हमारा होटल थोड़ा सा नीचे था। थोड़ा सा मतलब जल्दी से बाहर आए ना तो थोड़ा सांस फूल रही है अभी। पूरा बर्फ है यहाँ पे और यहाँ से जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। ठंड की वजह से हालत खराब है। पटनी टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है गोवा, ये देखो। बट यहाँ पे कंपैरेटिवली कम बर्फ है। अब हम नेक्स्ट लोकेशन कश्मीर में जाने वाले हैं तो वहाँ आप देखोगे वहाँ पे और भी अच्छा नजारा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और मतलब जो सनराइज मिला है ना हमें बहुत ही बढ़िया। हाँ तेरा ही तो शॉट ले रहे हैं यहाँ पे पहाड़ों में, तू ही अच्छी दिख रही है यहाँ पे। स्लाइडिंग जो करते हो आप तो डेली इधर ही रहते हो दिन भर? हाँ बढ़िया है। कल के व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, मतलब जम्मू का वो लोकल है, यहाँ पे उधमपुर में रहता है वो। आज प्लान कर रहे हैं हम और वो आ रहा है आज, मतलब अभी एक आधा घंटे में आ जाएगा उधमपुर से। तो फिर हम यहाँ से निकलने वाले कश्मीर के लिए, फिर से हम कश्मीर करके जम्मू आने वाले, ऐसा प्लान है हमारा। पटनी टॉप पे भी काफी आपको एडवेंचरस मिलेगा, मतलब यहाँ पे स्लाइडर्स है, हॉर्स राइडिंग है और ये पे जिप लाइन दिख रही है, ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। अभी हमें ज्वाइन किया है विशाल और विशाल के भाई लकी ने, मतलब उधमपुर से वो 8 बजे निकले थे ना सुबह। यहाँ के लोकलाइट है विशाल और विशाल के भाई लकी। तो यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं अभी विशाल? अभी हम जन्नत कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। यस यस, मतलब आप सिटी ऑफ टेम्पल से जा रहे हैं जन्नत ऑफ कश्मीर। तो इससे पहले किया जाए जन्नत कश्मीर, जन्नत कश्मीर। तो यहाँ अभी करेंगे हम ब्रेकफास्ट और निकलते सामान पैक करके कश्मीर। तो चलो। हाँ गर्मी हमसे, हाँ इनको गर्मी सहन नहीं होती, पुणे आते हैं कभी कभी तो गर्मी सहन नहीं होती उधर, है ना। यहाँ ठंडी में ठीक लगता है मतलब ऐसे। विशाल जी यहाँ का कुछ स्पेशल पत्नी टॉप का? यहाँ का सर जैसे जम्मू में लोग रहते हैं सिटी में तो वहाँ क्या है वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो पत्नी टॉप हमें मतलब सबसे नज़दीक पड़ता है। क्या क्या अगर हम सुबह भी चलेंगे तो एक दिन में हम मतलब आ भी सकते हैं और यहाँ से जा भी सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ऐसे पहाड़ों वाली फीलिंग आती है, मतलब ऐसे फुल स्नो गिरती है यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे आप ऐसे डिफरेंट रहने के लिए आपको ऐसे यहाँ पे हट मिलेंगे रहने के लिए, फुल एंजॉय कर सकते हो जैसे पहाड़ों में। थोड़ा आपकी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि मतलब क्या हाल है जम्मू ऐसे रुकने उतर टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा होता
कि 30-35 डिग्री ओह्दे कारण केह् होंदा बंदे मतलब बड़ी गर्मी लगदी ते जिस टाइम इत्थै बर्फ पौंदी असें इ'यां लगदा कि नेईं अस जम्मू अस लगदा कि अस जम्मू सा बाहर आए दे एकदम प्हाड़ ऐ मतलब इन्नी ज्यादा इत्थै इन्नी ठंडी ऐ इन्ना स्हेई मतलब मौसम है इत्थै मतलब पूरा मौसम दा अस लुत्फ उठाई सकने अच्छा सही है थोड़ा थोड़ा समझ में आया हमें ठंडी में पियेंगे गरम गरम चाय चीयर्स कल हम थे महिंद्रा के एसयूवी 300 में अभी विशाल ने लेके आया स्कॉर्पियो अब हम इसी से कश्मीर जाने वाले व्यू कहाँ से अच्छा हाँ वही बैठने का चलो तो फाइनली हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं 12:30 बजे यहाँ पे अभी ओके जी पैक हो गया ये था हमारा होटल यहाँ हमने स्टे किया था और वहाँ देख रहे हो क्या व्यू है भाई पूरा बर्फीला पहाड़ सो गाइज पत्नी टॉप पे बहुत सारे होटल आपको अवेलेबल होंगे जो कि 2000 से लेके 4000 5000 तक आपको अवेलेबल होंगे क्योंकि अभी ये सीजन चल रहा है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है थोड़ा सा गाड़ी से उतर के एक शॉट ले रहा था और यहाँ वादियों में चलते चलते घूमने का काफ़ी और मज़ा आता है मतलब बहुत ही सुकून मिलता है अपना अनार का चटनी था ना और फेमस राजमा चावल यहाँ का कहीं भी होटल में जाओ फेमस मिल जाए देसी घी डाल के फेमस राजमा चावल ये दाल राइस सपना तो चलते चलते हम रुके यहाँ पे खाने के लिए और खाने में हमने लिया है राजमा चावल यहाँ का बहुत फेमस है और हमने लिया है दाल राइस है ना जैसे हम पटनी टॉप से निकले तब से पूरा ऐसा पहाड़ियों का रास्ता है जहां हम रुके थे पटनी टॉप वहां से कश्मीर तकरीबन 220 किलोमीटर कुछ तो है अभी किलोमीटर पे जौहर टनल लगेगा जो कि बहुत ही बड़ा टनल है ये है जौहर टनल जो कि 8 से 9 किलोमीटर का ये टनल है और ये जम्मू से डायरेक्टली कश्मीर में निकलता है और ये शॉर्टकट बनाया है नहीं तो पहाड़ों से हमें जाना पड़ता कश्मीर में पहुंच चुके हैं अभी जस्ट पार्किंग किया है यहाँ पे गाड़ी चलो प्रिया सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए
जन्नत कश्मीर। ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये है डल लेक, और यहाँ पे होता है शिकारा, मतलब यहाँ पे जो बोट है उसे बोलते हैं शिकारा। हमें डिनर करने के लिए आए, और यहाँ पे एक श्रीनगर में एक फेमस ढाबा है जो कि कृष्णा ढाबा है, वहाँ पे हम डिनर के लिए आए, लेकिन जल्दी आए, 6:30 बज गया अभी, बहुत ही वेटिंग है अभी ना। अभी देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है। इधर हमारे साथ विशाल है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब सब हमें अच्छे से गाइड कर रहा है, अच्छे से हमें मतलब जो भी फेमस चीज़ें वो खिला रहा है, बाकी अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, देखिए पनीर के आइटम है, सब वेजिटेरियन है ये होटल, पूरा वेज ही मिलेगा यहाँ पे। हाँ प्रिया, मतलब डबल ग्लोव्स पहन के भी ठंडी लग रही तुझे। हाँ ना। अंधेरे में डल लेक देखो यहाँ पे कैसा दिखता है। अरे क्यूट लग रही है, लेकिन इसमें बहुत ठंडी लग रही है मुझे। सो तो अब भी डिनर करके हम फिर से आ गए डल लेक पे, और यहाँ से हमने किए बोट हाउस बुकिंग। बाकी डिनर बहुत ही अच्छा था, है ना? बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत ठंडी लग रही है। ना ना। 10 मिनट भी वेट करा नहीं जा रहा, अभी पता नहीं। पानी को छू क्या है, पानी को छू के देख। अरे इतना ठंडा पानी होगा ना, वो 10 मिनट लगेंगे ना। चला लोकर इकडे, चला लोकर। हाँ ना राव, चला यार, आपको मराठी आती है? हाँ भैया, देखो पूरा सामान उठाया। हाँ आपको मराठी आती है? आपको मराठा आती है थोड़ा? अरे सही है। पहुंच गए यहाँ पे बोट हाउस पे। कौन सी है हमारी बोट हाउस? 10:30 बजे शुगर ये है क्या? अरे क्या मस्त नजारा है, बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, अंदर जाके हम पूरा टूर देंगे अपने बोट हाउस का। चलो भैया, थैंक यू। अभी क्या चला रहे हो आप? बुखारी? हाँ जी। मतलब इसको बुखारी बोलते हैं? हाँ जी। अरे वाह, कितनी देर में जल जाता है ये? दो तीन मिनट में जल जाता है। कब तक चलता रहेगा? कितने घंटे? 1 घंटे तक चलेगा। और फिर से जलाना होगा तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी हीट हो जाएगी ना, बाद में जलाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ इतना होता है इसे? हाँ जी। आज जलेगा, और यहाँ से धुआं ये पाइप से अपने बाहर निकाल दिया। हम तभी सोच रहे थे आते वक्त कि धुआं निकल रहा है अंदर से, क्या हो रहा है। सो गाइस, हम है अभी बोट हाउस पे, मतलब हम श्रीनगर में आज स्टे कर रहे हैं, हमारा आज सेकंड डे। तो इवनिंग में 5 बजे पहुंचते ही सनसेट हो गया, तो शिकारा राइड करने वाले थे हम, बट शिकारा राइड नहीं कर पाए, अभी सुबह हम शिकारा राइड करेंगे। आपको अगर यहाँ पे स्टे करना होगा तो 2,000, 2,500, 3,000 तक आपको यहाँ पे स्टे मिलेगा। बोट का स्टे आप करो ही करो जब आप कश्मीर में आओगे। यहाँ पे अभी इतनी ठंड होती है कि माइनस चला जाता है, सुबह सुबह तो बहुत ठंड होती है। सो अभी ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। सो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।